बाल पाठक के पाठक बाल अनेक नारे देते हैं 400 बार का, ये सिर्फ संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बचाने के लिए जनता ने नारा दिया, हम कहेंगे अब की बार आपके नार बाल, अब की बार, अब की बार, हम कहेंगे अब की बार आपके ना इंडिया सरकार, अब की बार, अब की बार। किसी से मत डरना, कहीं प्रशासन कोई दिक्कत दे तो आपका सेवक प्रदीप यादव आपकी आधी रात मदद करने का काम करेगा। जय भारत, जय समाजवाद। हमारे साथ चल रही यहाँ की विधायिका श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारे साथ पूर्व विधायक प्रदीप यादव जी, और मैं जो स्वागत के कार्यक्रमों में देख रहा हूँ पार्टी के बहुत पुराने नेता उमा यादव जी, कल्लू यादव, दिलीप दिवाकर, कौशल यादव, रिजवान अली, गप्पी यादव जी से लेकर के हमारे इरशाद साहब, इरशाद और उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस चुनाव में जहाँ हम सब लोग 2024 में वोट डालने जा रहे हैं, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का जहाँ है वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जो लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये कहें संविधान बदल देंगे, हम उन लोगों को बदलने का काम करेंगे। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, ये वही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान है जो हमें गैर बराबरी से लेकर के आगे बढ़ने का मौका देता है, ये संविधान हमारी संजीवनी है। इसलिए अगर कोई संविधान के खिलाफ अगर उंगली उठाएगा तो उसको हटाने का काम हम सब मिलकर के करेंगे। वैसे तो अभी तक जितने चरणों के चुनाव हुए हैं, हम सब लोग औरों के लिए वोट मांग रहे थे, पहले, दूसरे, तीसरे चरण में और चौथे चरण में हमें खुद लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आपसे हम अपने लिए सहयोग और मदद मांगने आए हैं, आप सब लोग मिलकर के हमारी मदद करने का काम करना, चुनाव चिन्ह साइकिल को मत भूलना। यहाँ के वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, यहाँ बिथुना के लोगों ने हमेशा समाजवादी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, नेताजी रहे हों, धनीराम वर्मा जी रहे हों, हमें लड़ने का मौका मिला हो या किसी और समाजवादी नेता को जब कभी भी लड़ने का मौका मिला है, आपने पूरी ईमानदारी से उसका साथ देकर के समाजवादी पार्टी को हमेशा मदद करने का काम किया है। ये आसपास अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, अपना वोट संभालना, अपना वोट देना अब हम नहीं आ सकते हैं, अब पहुंच भी नहीं पाएंगे, चुनाव का आखिरी दिन है, अभी तो हम एक महीने से चुनाव लड़ रहे हैं और एक महीने तक और चुनाव लड़ना है। इसलिए आप हमारी मदद करो, घर घर जा करके आप अपनी सब बातें भुला करके एक दूसरे का साथ दे करके हमारी मदद करने का काम करना, क्योंकि समाजवादी पार्टी देश की वो पार्टी है जो संविधान और देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। महंगाई का सवाल, महंगाई आप जानते हो, बेरोजगारी आप जान रहे हो, ये नौजवान जितने बैठे हैं या खड़े हैं, इन सब की नौकरी छीन ली सरकार ने, न रोजगार दिया न नौकरी दी, हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया, सब परीक्षाएं रद्द हो गई, न केवल आपके भविष्य से खिलवाड़ की है, नौकरी से खिलवाड़ की है, बल्कि सोचना विचार करना आपका एक तिहाई जीवन इन्होंने बर्बाद करने का काम किया, इसलिए सजा दो इन्हें,
इनके खिलाफ वोट डाल करके मदद करना और दिव्यापुर औरैया दिव्यापुर देखे जाके बहुत बहुत धन्यवाद।